बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे दिस इज़ द वर्स प्रॉब्लम। वायर ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सो दैट इट्स लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर। उसको हमने एक रेक्टेंगल के गिर्द रेक्टेंगल के अराउंड बेंट किया उसे, तो फिर उसकी ब्रेथ यहाँ पे हमने सपोज की कि अगर एक्स है और उसकी लेंथ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी 3 लेस देन, तो हमने यहाँ लिखा 2x-3। यहाँ पर हमें ब्रेथ एक्स सपोज किया और लेंथ है 2x-3। ये दोनों हमने फाइंड आउट करनी है। हमने यहाँ पर डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ द वायर, यहाँ पर जो वायर हमें गिवन है उसकी टोटल लेंथ हमें गिवन है यहाँ पे 48 सेंटीमीटर। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में ड्रॉ करके देखें अगर डायग्राम को रेक्टेंगल की, तो यहाँ पर लेंथ होती है 2 साइड और ब्रेथ है इसकी 2 साइड। तो फिर यहाँ पर मैंने इस तरह लिखा 2l+2b। अब लेंथ की जगह मैंने 2x-3 पुट किया और ब्रेथ की जगह यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर का हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे बना लेना है, यानी टोटल लेंथ ऑफ द वायर है 48 सेंटीमीटर और यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 2(2x-3) एंड +2x। तो हम इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमें क्वेश्चन गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक इक्वेशन बना लेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर 2x-3 फिर +2x इज़ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करके x फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी यानी डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगी और फिर लेंथ भी उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ, 2 2s are 4x एंड 2 3s are 6 फिर +2x = 48, 4 + 2 6x, 6x-6 = 48 नेक्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ -6 को हम नेक्स्ट साइड शिफ्ट करना है तो 48 + 6 हो जाएगा, तो 6x = 54 आ गया। यहाँ x आ जाएगा हमारे पास 6 1s are 6, 6 9s are 54। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आ गया जो हमारा आंसर है 9 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ आ चुकी है, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ ऑफ द वायर है 2x-3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर x की प्लेस पर अगर 9 पुट करेंगे तो इस तरह करके हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखा यहाँ पे 2x-3 = 2, फिर x की प्लेस पे 9-3, 2 9s are 18-3, तो इस तरह से 15 आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इस तरह हमने डायमेंशंस फाइंड आउट कर ली हैं। लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।